दोस्तों महाभारत के एक महारथी योद्धा अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी थे। इस महाभारत में अभिमन्यु से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इन रहस्यों को कभी भी टीवी सीरियल के माध्यम से हमें दिखाया नहीं गया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, दोस्तों जानेंगे आज के इस वीडियो में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अभिमन्यु से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभिमन्यु के गुरु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी थे। अभिमन्यु को दिव्य धनुष रुद्र भगवान बलराम ने ही दिया था। और हम सभी ये तो जानते हैं कि अभिमन्यु की दो पत्नियां थीं, जिसमें से एक उत्तरा और दूसरी बलराम जी की पुत्री थी। और महाभारत के इस युद्ध में कैसा योद्धा था जो कि सबसे कम उम्र में चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था, और इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया था। अभिमन्यु ने महाभारत के योद्धा कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और भीष्म जैसे महारथियों को घायल करके शिविर की ओर भेज दिया था। और व्यास महाभारत के अनुसार अभिमन्यु का वध दुशासन के पुत्र दुर्माषाण ने किया था, जब अभिमन्यु ने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का वध किया। इसके साथ ही दोस्तों अभिमन्यु द्रौपदी और घटोत्कच का बहुत ही सम्मान करते थे और उन्हें उप पांडव से अधिक प्रेम करते थे। दोस्तों अभिमन्यु को चंद्रदेव का अंश कहा जाता है और उनके भाग्य में कम आयु ही लेकर जन्म लिया था। दोस्तों अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था। महादेव ने अभिमन्यु के वध से पहले जयद्रथ को स्वप्न में आकर सचेत किया था कि वे उनके आशीर्वाद का दुरुपयोग ना करे और इस अधर्म के लिए तो बिल्कुल भी ना करे, अन्यथा उसके साथ बहुत ही अनुचित होगा। इसके साथ ही अभिमन्यु का दुर्योधन और दुशासन के पुत्रों के साथ भी विवाद हुआ था, जैसे कि कौरव और पांडव के बीच हुआ था। दोस्तों अभिमन्यु और कोई नहीं बल्कि श्रापित चंद्रमा ही थे, जो कि अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्मे थे। और जब अभिमन्यु रणभूमि में शहीद हुए थे तो उनकी उम्र मात्र 15 साल थी, और भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण छुपा था। दोस्तों अभिमन्यु ने इसी शर्त के साथ मनुष्य रूप में जन्म लिया था कि वो धरती पर सिर्फ 15 साल तक ही रहेंगे और 15 साल से ज़्यादा वो धरती पर नहीं रहेंगे। दोस्तों अभिमन्यु के वध के पीछे श्री कृष्ण की चाल भी थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही अभिमन्यु को चक्र भेदने का आदेश दिया था, जबकि वो ये जानते थे कि अभिमन्यु चक्र में घुसना तो जानता है लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं जानता। और इसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर लिया जाता है और उसे घेर कर जयद्रथ सहित 7 योद्धा अभिमन्यु की बुरी तरीके से हत्या कर देते हैं, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, क्योंकि जब सामने वाला पक्ष नियम को तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी नियम तोड़ने का मौका मिल जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।